हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द ओरिजिन कोचिंग। आज हम लॉज ऑफ मोशन के थर्ड सेशन लेके आपके सामने आए हैं। देखिए, मेरे आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। हम जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग जो करते हैं, ये बात भी आप सबको पता है कि आज हमारा कंट्री सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चिंग पर दुनिया के सबसे अच्छे देशों में शामिल है। तो अब आज हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब रॉकेट, वैसे हमारा आगे का चैप्टर मोशन ऑफ सैटेलाइट भी है जिसका बेसिक फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आज हम रॉकेट पर बात करेंगे। देखिए, तो लॉस ऑफ मोशन थर्ड सेशन रॉकेट प्रोपल्शन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में रॉकेट क्या है और रॉकेट का क्या एप्लीकेशन है। तो रॉकेट का जो मेन पर्पस है, रॉकेट लॉन्च करने का जो मेन पर्पस है, वो है सैटेलाइट को अपने ऑर्बिटल पर सेट करना, स्थापित करना। रॉकेट के हेल्प से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को ले जाते हैं और उसको अर्थ के सराउंडिंग में अपन उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देके छोड़ते हैं। आगे हमारा जो चैप्टर होगा जिस पर हम मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे, वहाँ इसको हम कंप्लीट, उस वीडियो में आप मेरा देखोगे तो उसमें मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा सैटेलाइट के बारे में। यहाँ मैं कुछ आपको बता दूँ कि एक्चुअल में रॉकेट क्या है। रॉकेट जनरली टू टाइप्स का रॉकेट आज के डेट में यूज होता है। फर्स्ट इज PSLV एंड GSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मतलब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का ये व्हीकल है, एक साधन, एक वाहन है। अब देखो होता क्या है कि हम रॉकेट की हेल्प से किस तरह से क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड बता दूँ। तो सपोज ये अर्थ है और ये सपोज इस हाइट में हमको सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है रॉकेट के हेल्प से, तो ये रॉकेट क्या है, सैटेलाइट को लेके जाता है, इसको मल्टी स्टेज रॉकेट बोलते हैं। लास्ट में जब ये अपने ऑर्बिटल पर पहुंचता है जहां पर उसको नेसेसरी ऑर्बिटल वेलोसिटी का ज़रूरत होता है, वहां लास्ट स्टेज का रॉकेट क्या करता है, उसको अर्थ के सराउंडिंग इस तरह से घुमा के टूट के गिर जाता है। एक्चुअल में जो हम मल्टी स्टेज रॉकेट यूज़ करते हैं उसके एक एक स्टेज ब्रेक होके नीचे गिरते जाते हैं और वो इस तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं कि अर्थ के आते आते तक वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एस बन जाते हैं, राख बन जाता है, जिसके कारण उसे हमको कोई नुकसान नहीं होता। ये मैंने थोड़ा आपको रॉकेट के बारे में बताया। बाकी सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट किस तरह से होता है, सैटेलाइट के अलग से सेपरेट चैप्टर है हमारे 11th क्लास में, उस पर कंप्लीट डिस्कशन है। नाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि रॉकेट का वेलोसिटी कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको थ्री फिगर यहाँ जो बताऊँगा, इसका कैलकुलेशन बहुत टेक्निकल है। ये थ्री फिगर अभी मैं बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसको आपको ध्यान से समझना है, अदरवाइज कैलकुलेशन समझने में आपको प्रॉब्लम आएगा। देखिए, ये फर्स्ट फिगर हमने बनाया। सपोज ये रॉकेट का इनिशियल कंडीशन है, इस कंडीशन में रॉकेट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। और सपोज इसमें जो फ्यूल्स है, ये फ्यूल्स अभी इसमें कंप्लीट फिलअप है, ये मैंने रेड इंक से इसके फ्यूल्स को इंडिकेट किया, ये कंप्लीट फ्यूल्स भरा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पर रॉकेट है। और सपोज इस टाइम में इसमें टोटल मास इसका सपोज एम नॉट है, एम नॉट इज द मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल्स एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज सपोज वी नॉट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, क्लियर। नाउ सेकंड कंडीशन का रॉकेट हम इस तरह से बनाते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ,
हमने रॉकेट को लॉन्च किया और आफ्टर टी टाइम, दिस इज द सेकंड कंडीशन, एट टी टाइम, टी टाइम तक हमने अब क्या किया, रॉकेट को उड़ने दिया। इस कंडीशन में सपोज इसका वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, इट्स वेलोसिटी इज सपोज वी, एंड सपोज इट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना फ्यूल सपोज इससे बाहर निकल गया, ये हमने एम्प्टी कर दिया या वो स्टेज ब्रेक हो गया, तो ये इसका रिमेनिंग फ्यूल्स है, सपोज ये है, और अब इसमें जो फ्यूल्स बचा है, सपोज इसका मास हमने ले लिया स्मॉल एम, दैट मीन्स स्मॉल एम इज द मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल्स आफ्टर टी टाइम। मतलब अभी ये रॉकेट क्या है, रेस्ट कंडीशन में था, इसको हमने लॉन्च किया, रॉकेट उड़ा, वी नॉट से इसका वेलोसिटी वी हो गया और मास एम नॉट से डिक्रीज होकर कितना हो गया, स्मॉल एम हो गया। एंड थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऑफ द रॉकेट इज, सपोज ये हम थर्ड कंडीशन यहां शो करते हैं। अब रॉकेट को हमने डेल्टी टाइम के लिए या डी टी टाइम के लिए, स्मॉल टी टाइम के लिए हमने और उड़ने दिया, मतलब इसके बाद हम डी टी टाइम के लिए, मतलब अब यहां पर हमारा जो टाइम हो गया ये हो गया टी प्लस डी टी, आफ्टर टी टाइम टी प्लस डी टी, और फ्यूल सपोज अब इतना डिक्रीज हो गया, ये अब इतना फ्यूल है सपोज, इसमें देखिए मैं इसके मास को डिक्रीज करते जा रहा हूँ, यहाँ तीनों फिगर में आप कंपेरेटिवली देखिए, यहाँ पूरा फ्यूल भरा हुआ है, यहाँ इतना एम्प्टी हुआ, अब यहाँ पर इतना एम्प्टी हो गया, और अब जो रिमेनिंग मास है इसका, वो सपोज एम था, उसमें डी एम माइनस हो गया, तो एम माइनस डी एम हो जाएगा, क्लियर, एम था और डी एम मास का फ्यूल क्या हो गया, इसे इजेक्ट हो गया, मतलब ये बाहर निकल रहा है, इसे गैस बाहर निकल रहा है इस तरह से, और यहाँ पर जो जिस वेलोसिटी से गैस बाहर निकल रहा है, इस बाहर निकलने वाले गैस का वेलोसिटी सपोज डी वी है, डी वी इज द स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल पार्ट। अब इसका जो वेलोसिटी है ये सपोज इसका वेलोसिटी को वी जीरो, सॉरी इसके वेलोसिटी को वी जीरो, जी फॉर गैस ये लेते हैं अपन, वी जी, वी जी इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस, और डी एम रेट से क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। अब इसका वेलोसिटी देखो, जैसे ही इसका मास डिक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो हो गया वी प्लस डी वी, दैट मीन्स वी प्लस डी वी इज द वेलोसिटी आफ्टर डी टी टाइम, क्लियर। तो ये सिचुएशन है हमारे थ्री, इसको आपको सबसे पहले समझना है, एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देखिए रॉकेट का मास एम नॉट है, वेलोसिटी वी नॉट है, या रेस्ट कंडीशन में है, रॉकेट रुका हुआ है, रॉकेट को लॉन्च किया, टी टाइम तक उसने मोशन किया, आफ्टर टी टाइम इसका मास सपोज एम है और वेलोसिटी वी है, फिर हमने यहाँ पर डी टी टाइम लिया, तो टाइम डी प्लस डी टी हो जाएगा, तो डी टी या डी टी टाइम के लिए यहाँ पर इनिशियल स्टेट से लेंगे अपन तो टी प्लस डी टी, और ओनली अपन लेंगे डी टी टाइम तो ये डी टी टाइम के लिए, मतलब आफ्टर डी टी टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज वी प्लस डी वी एंड मास विल बी डिक्रीजेस, दैट इज एम माइनस डी एम, वेयर डी एम इज द मास ऑफ गैस विच इज इजेक्टेड फ्रॉम रॉकेट, क्लियर। तो ये थ्री स्टेज है। अब इसका जो कैलकुलेशन का प्रिंसिपल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, दैट मीन्स इट्स प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी पार्टिकल आर सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसी का एप्लीकेशन है। तो यहां पर देखिए, ये तो इनिशियल कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन पर हम बात करें तो मोमेंटम दैट टाइम इक्वल टू मोमेंटम दैट टाइम। तो पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट आफ्टर टी टाइम, क्लियर। टी टाइम के बाद इस रॉकेट का मोमेंटम कितना हो चुका रहेगा, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, एंड इन दैट टाइम उसका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, मास हो गया एम माइनस
dm इंटू वेलासिटी वी प्लस डी वी मास इंटू वेलासिटी प्लस प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, गैस में भी वेलासिटी है तो गैस का मास कितना है dm और वेलासिटी क्या है vg। तो ये हो जाएगा dm और माइनस vg। यह माइनस साइन क्यों यूज किया गया आप ध्यान देंगे, क्योंकि गैस का डायरेक्शन क्या है राकेट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि राकेट अपवर्ड जा रहा है और गैस डाउनवर्ड, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर वेलोसिटी को माइनस लिया है। नाउ सिंप्लीफाई दैट इम्प्लाइज एम वी इक्वल, यहाँ पर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा एम वी, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस एम डी वी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी एम इंटू वी, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी एम डी वी, और ये भी माइनस हो जाएगा वी जी इंटू डी एम। क्लियर, दैट इम्प्लाइज अब आगे देखिए जो सिमिलर क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी है कैंसल आउट हो जाएंगे, डी ये एम वी के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और ये स्मॉल क्वांटिटी है डी एम एंड डी वी बोथ आर स्मॉल क्वांटिटी, इनका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं नेग्लिजिबल सपोज कर सकते हैं। तो नेग्लिजिबल सपोज करेंगे और इसको एक साइड में रख के ये दोनों माइनस क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं तो एम डी वी इक्वल टू इधर आके प्लस हो जाएगा और इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं डी एम तो अंदर हो जाएगा वी प्लस वी जी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो रिलेशन है यहाँ वी प्लस वी जी इज रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी है देखिए आप ये वी प्लस वी जी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एंड वी जी इज द रॉकेट वेलोसिटी ऑफ द गैस, दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं तो दोनों सम हो रहे हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू गैस, और इसको हमने सपोज कर लिया क्या यू और डायरेक्शन माई अपोजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस यू। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिया जाए तो देयर फोर एम डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस यू इंटू डी एम। यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वी का वेलोसिटी, डी वी का वैल्यू देयर फोर डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू डी एम अपॉन एम। सपोज दिस इज द रिलेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया। अब हमको निकालना है इसका टोटल वेलोसिटी तो क्या करेंगे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एम अपॉन एम। यहां हम लिमिट पुट अप करेंगे तो लिमिट क्या होगा वी के रेस्पेक्ट में हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, वी के रेस्पेक्ट में हमारा लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी, तो इनिशियल लिमिट हो जाएगा वी नॉट और अपर हो जाएगा वी। यहाँ मास के रेस्पेक्ट में अपन तो इनिशियल मास कितना हमने सपोज किया था रॉकेट का एम और आफ्टर टी टाइम इसका मास क्या किया था एम सपोज किया था ये हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वी होगा ये हो गया वी वी नॉट टू वी दैट इक्वल यहाँ पर माइनस यू कांस्टेंट है बाहर आएगा और आपको पता है वन अपॉन एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स, ये आप सबको पता होगा मैथमेटिकल टूल्स से, नहीं तो आप रीजन करिए कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर दें तो वन अपॉन एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एम एंड इट्स लिमिट इज एम नॉट टू एम। क्लियर, दैट इंप्लाइज नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज दी वी और लोअर लिमिट इज वी नॉट दैट इक्वल माइनस यू अपर इज एम तो हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट दैट इंप्लाइज वी माइनस वी नॉट इक्वल देखिए माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा यू अंडर ब्रैकेट लॉग ये प्लस हो जाएगा लॉग एम नॉट माइनस लॉग एम, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और हमको लॉगरिथमिक
एक फार्मूला पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन। उस फार्मूला को यूज़ कर दें तो देयर फोर वी, और इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर दें वी नॉट को, तो वी इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट अपॉन एम। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। रॉकेट के वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फाइनल इक्वेशन है, क्लियर। तो v इक्वल टू वी नॉट यू प्लस लॉग एम नॉट अपॉन एम, ये होता है रॉकेट का वेलोसिटी। अब देखिए, सपोज हम वहां पर इनिशियल टाइम ले लें, यहां पर मैं लिख देता हूं सब, इफ t इक्वल टू जीरो, इफ t इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन में उसका वेलोसिटी यदि हमको कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल कंडीशन में आपको पता है कि v नॉट क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि भी रॉकेट रेस्ट कंडीशन में है। तो उस कंडीशन के लिए फार्मूला हो जाता है देन v इक्वल टू यू लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम। ये कंडीशनल फार्मूला है, ये आप ध्यान देंगे, ये होता है। वैसे रेड इंक के बॉक्स से मैंने जो कवर किया है ये इसका फाइनल इक्वेशन, नीचे कंडीशनल है t इक्वल टू जीरो। तो ये होता है रॉकेट प्रोपल्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। इसके बाद इसमें हम एक कैलकुलेशन और करते हैं, थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट। तो थ्रस्ट फोर्स होता क्या है, देखिए थ्रस्ट फोर्स का मतलब है कि जब ये गैस बाहर निकलता है, इस तरह से हम गैस बाहर निकालते हैं जेट से, तो अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर जो फोर्स लगता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन के अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, उसी रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, रॉकेट अपवर्ड जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है अर्थ पर वही थ्रस्ट फोर्स कहलाता है, एक तरह का प्रेशर फोर्स है, इसी के अगेंस्ट वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पर तो एक फाइनल इक्वेशन हमारा ये हुआ v इक्वल टू वी नॉट यू प्लस लॉग एम नॉट अपॉन एम। अब यदि हमको यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को t के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे या डिफ्रेंशिएट। ये इरेज कर रहा हूँ मैं मिडिल वाला पोर्शन, थ्रस्ट फोर्स फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां अपने पास क्या है, डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन एम। नाउ डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी टी बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन एम डी टी, ये हो गया। और m को हम इसके साथ यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ, तो हो जाएगा m डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, ये होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, दैट इम्प्लाइज मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ से, तो हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाला ये इसके थ्रस्ट फोर्स के लिए फार्मूला है, एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो हमने रॉकेट प्रोपल्शन में दो कैलकुलेशन किया, फर्स्ट इज वेलोसिटी यू इक्वल टू वी इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट अपॉन एम, दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एंड दिस इज द फार्मूला फॉर थ्रस्ट फोर्स, क्लियर। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम्प्लीटली यूज होगा आपके सेटेलाइट वाले चैप्टर में। सेटेलाइट हमारा कम्प्लीट सेपरेट चैप्टर है जो ग्रेविटेशन के साथ है, उस सेशन के वीडियो में आपको इसके सैटेलाइट की पूरी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कितने टाइप्स का होता है क्या होता है उसका डिटेल, क्लियर। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द लॉस ऑफ मोशन थर्ड पार्ट इज मोशन ऑफ ए लिफ्ट, क्लियर। लिफ्ट आप हर किसी को पता है कि लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट से अपन क्या करते हैं, हाइट में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं लिफ्ट के हेल्प से उसमें ऊपर आते जाते हैं, लिफ्ट हर किसी को पता है। तो यहाँ हमको स्टडी करना है कि लिफ्ट में जब हम मोशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं,
लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट के अंदर किसी भी आदमी का जो वेट होता है वो एक्चुअल में रियल वेट नहीं होता, अपरेंट वेट होता है। वो किस तरह से होता है देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, क्लियर? एलिवेटर में या लिफ्ट में उसका अपरेंट वेट क्या होता है, पहले आप समझिए कि अपरेंट वेट क्या होता है। अपरेंट वेट मतलब हमारा जो वेट है, सपोज मैं 70 केजी का हूँ, लेकिन लिफ्ट के अंदर यदि मेरा वेट चेंज हो जाता है किसी कारण से तो वो क्या कहलाएगा, उसका अपरेंट वेट कहलाता है, क्लियर? तो यहाँ पर हम दो तरीका से इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कि सपोज अभी लिफ्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है, ठीक है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पर हम एक इमेजिन करते हैं, लिफ्ट का फिगर बनाते हैं। सपोज ये कोई लिफ्ट है और ये यहाँ पर हम किसी आदमी को इमेजिन करते हैं कि सपोज ये कोई आदमी है, यहाँ खड़ा है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड, और इसका इस पर रिएक्शन फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर ये। अब सपोज ये लिफ्ट अपवर्ड एसरेशन से अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखिए, जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ जो रिएक्शन फोर्स है mg रिएक्शन फोर्स और इसका फोर्स मतलब एसरेशन ए है, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर जो अपरेंट वेट होगा दैट मीन्स डब्ल्यू डैश इक्वल टू होगा r प्लस एम ए। डब्ल्यू डैश इज अपरेंट वेट, तो इस आदमी का जो अपरेंट वेट है वो डब्ल्यू डैश इक्वल टू r प्लस एम ए के इक्वल होगा। इसको आगे हम और सॉल्व कर दें तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू r को हम क्या लिख सकते हैं, mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा वेट के इक्वल होता है। तो mg प्लस एम ए, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम को कॉमन कर लें तो जी प्लस ए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा हो तो उसमें जो आदमी बैठा है उसका जो अपरेंट वेट होगा वो उसके वेट और एम ए दैट मीन्स एम जी प्लस ए के सम के इक्वल होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसको लगेगा कि मेरा वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? इसके बाद इस पर और कंडीशन पर डिस्कस करेंगे अपन। नाउ सेकंड इज डाउनवर्ड कंडीशन। डाउनवर्ड ये सपोज लिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड कंडीशन में मोशन कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, ये सपोज कोई लिफ्ट है, अब इसको हम इधर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मोशन करा रहे हैं। यहां पर उसी तरह से हमने सपोज एक आदमी इमेजिन किया ये, अब यहाँ पर इसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड ही होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, रिएक्शन फोर्स ये आर होगा और इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स होगा वो एम इंटू ए होगा। इस कंडीशन में हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो अपरेंट वेट होगा डब्ल्यू डैश वो क्या होगा, देखो इसका डायरेक्शन और रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एम ए। रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है और जो लिफ्ट का फोर्स है क्या है, वो डाउनवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए हमने दोनों को क्या किया, प्लस किया। यहाँ रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है और ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, इतना हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू डैश इक्वल टू आर को लिख सकते हैं अपन एम जी माइनस एम ए, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम को कॉमन कर लें तो जी माइनस ए। ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ वो यदि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मोशन कर रहा है उसके लिए है, और देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस इट्स वेट विल बी डिक्रीजेस। कहने का मतलब हम यदि किसी ऐसे लिफ्ट में बैठे हैं जो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो हमारा जो वेट है, सपोज मैं 70 केजी का हूँ, तो लिफ्ट यदि किसी एक्सेलरेशन से मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हो
तो मेरा वेट उसी रेट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैं 50 केजी का हो जाऊंगा या 40 केजी का हो जाऊंगा, ये कहता है। ये दो कंडीशन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इस पर हम कुछ स्पेशल केस पर बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में IIT में नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्पेशल केस ये है जो हम इस पर डाउनवर्ड के लिए बता रहे हैं। पहला केस क्या है देखिए, इफ ए इक्वल टू जी, सपोज लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, ए क्या है यहां पर, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, तो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहां पर आप पुट करके देखिए तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और ए जी के इक्वल है, तो हो जाएगा जी माइनस जी, दैट मीन्स जीरो। तो क्या हो गया, अपरेंट वेट जीरो। तो वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा, वेट उसका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज कोई लिफ्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन से, सपोज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और लिफ्ट जो डाउनवर्ड जा रहा है उसका भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा, उसमें जो बॉडी है या कोई आदमी उसके अंदर जो बैठा है वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगा, क्लियर। ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के लिए भी, अभी IIT में क्वेश्चन आया था कि एक आदमी एक लिफ्ट से नीचे उतर रहा है और अचानक उसका जो स्ट्रिंग है जो जिस पर लिफ्ट अटैच होता है वो टूट जाता है, वो रोप वायर बोलते हैं जिसको, टूट जाता है, तो क्या होगा, तो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगा उसका आंसर है। क्यों वेटलेसनेस कंडीशन में आएगा, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का रोप टूटेगा तो फ्रीली फॉलिंग हो जाएगा वो, और कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्लियर। द एक्सेलरेशन ऑफ एनी, इसको जैसे इसको मैं ऐसा फ्रीली फॉलिंग कर दिया तो इसके पर एक्सेलरेशन कितना है, जितना जी है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, IIT में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ध्यान रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए कि सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन जी, अब इसको आप ध्यान समझिए कि सपोज एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो जी से ग्रेटर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन सपोज हमारा लिफ्ट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरने लगा। ये सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा है। तो आप इस फार्मूला को देखिए, इसका वैल्यू जब ग्रेटर हो जाएगा इससे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, दैट मीन्स देन डब्ल्यू डैश इज निगेटिव, तो आदमी निगेटिव वेट में चला जाएगा। निगेटिव वेट का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो, माने वो जीरो से भी कम हो जाएगा, बताइए क्या होने लगेगा, वो लिफ्ट से ऊपर उड़ जाएगा, क्लियर। मतलब वो क्या होता है, उड़ने लगेगा हवा में और जाके लिफ्ट के छत से चिपक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सपोज ये मेरी हथेली लिफ्ट है और ये मेरा मार्कर एक आदमी है, अब दोनों एक साथ नीचे फ्रीली फॉलिंग है, एक साथ अटैच है। अब यदि हथेली मतलब लिफ्ट इस बॉडी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लगेगा तो इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसके साथ कोई अटैच तो है नहीं। हूँ एस्ट्रोनॉट्स लोग की तरह क्या करने लगा, वो उड़ने लगेगा हवा में, एस्ट्रोनॉट्स लोग जिस तरह से स्काई में स्विमिंग करते हैं उस तरह से। तो ये कहलाता है सेकंड कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन जी। तो ध्यान रखना ये वाले कंडीशन में क्या होता है, एक बार रिपीट करता हूं मैं, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, क्लियर, देन इट्स वेट विल बी निगेटिव, दैट मीन्स वो आदमी क्या करेगा, फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा। नाउ थर्ड कंडीशन इज, ये जितना केस मैं बता रहा हूं किसके लिए है, वो डाउनवर्ड कंडीशन के लिए है, अपवर्ड कंडीशन के लिए केस अप्लाई नहीं होंगे। अपवर्ड के लिए ओनली वन केस अभी मैं बताता हूं, ये है फॉर, अब आपको एक बात मैं सोचने के लिए बोलता हूं कि आपने इस तरह का भी लिफ्ट यूज नहीं किया होगा जिसमें आपका वेट डिक्रीज हो गया होगा, ना आपने इस तरह का लिफ्ट यूज किया होगा जिसमें वेट आपको इंक्रीज हो गया जैसे लगा होगा, क्लियर। आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच रहे होंगे कि सर हम तो इतने बार लिफ्ट यूज किए लेकिन ऐसा हमारे साथ एक भी कुछ नहीं हुआ, ना हमारा वेट इंक्रीज लगा ना डिक्रीज लगा ना वेट लगा।
अपने डेली लाइफ में जो लिफ्ट यूज करते हैं, फिर वो आखिर किस तरह का लिफ्ट है? तो वो कैसा लिफ्ट है देखिए, इफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान से समझिए, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अप डाउनवर्ड हो रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड हो रहा है। तो आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाता है, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये आपको कई बार हम बता चुके हैं, या आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, या मेरे आप वीडियो ने आपने ध्यान से देखा होगा, काइनेमेटिक्स वगैरह का वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैं मोशन के स्टार्टिंग में आपको सबको समझा चुका हूँ। ऐसे भी आप यहाँ भी समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि ये एक्सेलरेशन को मैं जीरो कर दूँ, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा, देन डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी आप देखिए, W डैश यदि ये जीरो हो जाए, ये भी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। दैट मीन्स ये थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि हमारा लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, दोनों कंडीशन में हमारा जो अपरेंट वेट होता है वह हमारे रियल वेट के इक्वल होता है। इसलिए हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में जो लिफ्ट यूज़ करते हैं, उसमें हमको इस तरह के केस नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जो लिफ्ट यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड होता है। क्लियर? तो ये क्या है, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर इज दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बार बार मैं आपको ये बात याद दिला दूँ कि मोशन ऑफ लिफ्ट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का 3 सेशन में मैंने अपने वीडियो कंप्लीट किए हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट को लॉज ऑफ मोशन को परफेक्ट प्रिपेयर करना है, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन आप कवर करेंगे, आपका लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।